हेलो दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार यादव आप सभी का ड्रीम इलेवन के एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में गुजरात और मुंबई के बीच में होने वाले मैच के लिए ड्रीम इलेवन पर लाइव जीएल टीम बनाएंगे। जो एलिमिनेटर मैच हुआ था आपका लखनऊ और मुंबई के बीच में, इसमें हमने बताया हुआ था कि कौन से दो आपके लकी प्लेयर हो सकते हैं, जिसमें एक ठाकुर थे यानी यश ठाकुर और एक थे आपके शायद वो मधवाल के मधवाल उनका नाम है वो थे। ठीक है, और इन दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर इन दोनों को जिन लोगों ने भी कैप्टन के लिए प्रीफर किया होगा उनकी रैंक काफी अच्छी आई होगी। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग इस मैच के लिए भी आपका लाइव जीएल टीम तैयार करेंगे। टीम बनाने के लिए चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन के तरफ। चलिए अब हम लोग ड्रीम इलेवन में जीएल टीम लाइव तैयार करते हैं। तो विकेट कीपर में दो चॉइस हैं आपके पास, एक है किशन और एक है साहा। ठीक है, तो हम यहाँ से किशन को प्रीफर करते हैं। दोनों ही टीम में बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जिसमें कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए बहुत सारे चॉइस आपको मिल जाएंगे। सो यह मैच आपके लिए थोड़ा जीएल के लिए रिस्की हो सकता है। सो अच्छे से टीम बनाइएगा और थोड़ा सा रिस्क लेना हो तो ही लीजिएगा, अदरवाइज मोस्टली जो लोग बनाएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन वो भी इसको बताएंगे कि किस प्लेयर को लोग बनाएंगे। तो बैट्समैन में हम यहाँ से गेल, शिवकुमार यादव, मिलर। जो मिलर हैं यह आपके लिए एक अलग पिक हो सकते हैं, सो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। और जो नीचे आपके विजय शंकर हैं, अगर गुजरात का टॉप ऑर्डर जल्दी ध्वस्त होता है तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छी और तेज तरह इनिंग खेली हुई है इस सीजन, तो इन पे भी आप जीएल में चांस ले सकते हैं। तिलक वर्मा भी पूरी तरह फ्लॉप चल रहे हैं, तो अगर एक टीम में अगर आप मुंबई का टॉप ऑर्डर ध्वस्त करते हैं तो उसमें आप टीम डेविड तिलक वर्मा को आप ले सकते हैं। ठीक, ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या भी एक आपके रिस्की प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह फिट है नहीं, इसलिए बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं। यह आपको पॉइंट्स अपने बैटिंग से ही जो भी देना होगा बैटिंग फील्डिंग से वो देंगे, इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। कैमरन ग्रीन नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बॉलिंग सेक्शन में। सामी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, रशीद खान जो आपको बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग तीनों से ही अच्छा पॉइंट दे सकते हैं, मोहित शर्मा, पीयूष चावला और यहाँ से एम मधवाल। पिछले जो एलिमिनेटर मैच हुआ था इसमें इन्होंने 5 विकेट लिया हुआ था और हमने बताया भी था कि हाँ ये आपके लगे कि एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं, तो इस मैच में थोड़ा सा इन पर ध्यान दीजिएगा कि ये अच्छे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि जो यह ग्राउंड है बैटिंग के लिए भी अच्छा है और शुरू में जो पेसर होंगे उनके लिए भी मददगार साबित होगा, क्योंकि इससे पेसर ने ज़्यादा विकेट लिया हुआ है स्पिनर के मुकाबले। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हम मधवाल को ले लेते हैं, आप चाहे तो इसके जगह पे जे बहरन ड्रॉप को भी ले सकते हैं या एक आप बैट्समैन इंक्रीज कर सकते हैं, आप भी विकेट कीपर में साहा को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, तो फिलहाल प्रेजेंट टाइम के लिए हम यहाँ से ए मधवाल को ले लेते हैं। ठीक है, हमने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से कैप्टन वाइस के कैप्टन के लिए आपके लिए जो मोस्ट लोगों के जो चॉइस होंगे वो होंगे गेल, श्री कुमार यादव, ग्रीन और ये रशीद खान। ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो मोस्ट लोगों के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा रहने वाले हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ से कैप्टन रशीद खान और वाइस कैप्टन श्री कुमार यादव को बनाते हैं। ठीक है, और हमने यहाँ से इस टीम को सेव कर दिया। ठीक, अब यहाँ से आप टीम देख सकते हैं, प्रेजेंट में ये मेरी टीम है। टीम न्यूज आने के बाद उसके अकॉर्डिंग ये टीम चेंज भी हो सकती है और आप भी जरूर चेंज कर लीजिएगा। यह जो टीम है यह मेरी नॉलेज के अनुसार है, अगर पसंद आए तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको यह प्रेडिक्शन सही लगा होगा। अगर तो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।